न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, पीएन घाटी, बानपुर डेली मार्केट के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में झड़प। झड़प के दौरान पथराव, पुलिस ने दो को लिया हिरासत में। इन्फोर्समेंट विभाग ने हैप्पी नाइट अगरबत्ती की नकली अगरबत्ती कारखाना का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार। आसनसोल उत्सव की तैयारी का अंतिम रूप देने के लिए की गई बैठक, मंत्रिमंडल घटक हुए शामिल। हीरापुर थाना क्षेत्र में एक मकान में वृद्ध महिला का शव बरामद, तीन दिनों से उठ रही थी दुर्गंध। रानीगंज में बालू से लदे दो ट्रैक्टर जब्त। हीरापुर थाना क्षेत्र के बानपुर डेली मार्केट के दुकानदारों और कुछ स्थानीय लोगों में सोमवार की सुबह झड़प हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जमकर पथराव किया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। घटना की सूचना जब हीरापुर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस घटना स्थल पर पहुँच कर स्थिति को नियंत्रण में किया। हालांकि पुलिस के सामने भी स्थानीय लोग नारेबाजी की, धक्का मुक्की हुई। पुलिस को उन्हें समझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के संबंध में बानपुर डेली मार्केट के एक दुकानदार पवन साव ने बताया कि स्थानीय कुछ लोग हैं जो प्रायः डेली मार्केट में आकर दुकानदारों के साथ गाली गलौज करते हैं। घटना हुआ था, दुकानदार को बोला पूरा बाजार को तुमको मारेंगे, पूरा झोपड़पट्टी वाला लोग। उसके बाद से पब्लिक लोग इसको भगाया था, उसके बाद से फिर पूरा लेडीज महिला बच्चा सब लेकर के ईटा पत्थर लेकर के दुकान तोड़ फोड़ दिया पूरा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कोई माने आदमी को अभी चोट लगा है? हाँ, आदमी को 2-4 आदमी को चोट भी लगा है, हाथ फटा है, पत्थर चलाता कैच किया। बाजार पुलिस वाला बाजार को ही पकड़ के लेकर के जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बाजार में ढुकता है ये लोग, जब तक बाजार में ढुकता है आप सभी को गाली देता है गंदा गंदा। इसलिए आज भी सब दुकानदार को गाली दे रहा था, दुकानदार लोग गर्म हुआ तो उन लोग सबको बुला करके लाया और ईटा पत्थर फेंकने लगे। तो देखा जा रहा था इधर से माने ये क्या डेली माने कांड बीच में हमेशा होता है। मच्छर मारने की नामी गिरामी अगरबत्ती गुड नाइट और हैप्पी डाइट का नकली माल बनाकर आसनसोल के एसबी गोराई रोड में बेचा जा रहा था। कंपनी को कई महीनों से इसकी शिकायत मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को मुंबई से आई टीम और एनफोर्समेंट विभाग ने संयुक्त रूप से एसबी गोराई रोड स्थित अगरबत्ती के दुकान में छापामारी की, जहां लगभग 20 लाख रुपए कीमत की नकली अगरबत्ती बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को नकली अगरबत्ती बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ की गई तो एक कारखाने की जानकारी मिली। जब टीम ने कारखाने में छापेमारी की तो इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारी के अनुसार वहां करोड़ों की सामग्री बरामद की गई। इस विषय में अधिकारी ने बताया कि यहां हैप्पी नाइट और गुड नाइट नामक ब्रांडेड मच्छर मारने की अगरबत्ती का नकली अगरबत्ती बनाकर बेचने का गोरख धंधा किया जा रहा था। यहां 20 लाख रुपए के लगभग मूल्य की नकली अगरबत्ती बरामद की गई है। कारखानों में करोड़ों रुपए की सामग्री है। कितना का माल है इधर में? आपका लगभग करोड़ों का माल। अच्छा, टोटल मिला के ठीक है। तो ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, हाँ, एक एक बॉक्स में 12 पैकेट आता है। अच्छा। ये जो एक बॉक्स का जो डब्बा जो पैकेट आता है, टोटल एक बॉक्स का दाम होता है 150-180 ठीक है। उसका हिसाब से देखिए कितना रैपर है। रेडी माल कार्टून कार्टून जो है सब रेडी माल, तो कितना माल करोड़ों का आसपास माल है। सर माल उठाया है, एक तरह ब्रांड का है, हैप्पी नाइट का है। अच्छा, आपका बहुत सारा ब्रांड का है। हमारा स्लीव ऑयल है, स्लीव ऑयल काफी मात्रा में मिला है। यह दुकान और कारखाना किराए पर चल रहा था। जब मकान मालकिन से इसके बारे में पूछा गया तो मकान मालकिन ने कहा यह लोग क्या कार्य करते थे इस संबंध में उनको कुछ पता नहीं था, यदि पता रहता तो किराए पर यह मकान नहीं देती। की को तो जानते
তো এরা জাল ডুপ্লিকেট আমি কিছু জানতাম না দাদা জানলে কি আর ইয়ে করতাম বলুন वहीं इस विषय में इस कंपनी के अगरबत्ती बेचने वाले आसनसोल एजेंसी के मालिक मोहम्मद अनवर ने बताया ब्रांड का नाम खराब होता है तो मतलब सेल में भी उसमें नुकसान हो रहा है सेल में नुकसान होता है और ब्रांड का इमेज भी खराब होता है जी अच्छा लोगों को तो नहीं मालूम कि वो असली उत्पाद ले रहे हैं या फिर नकली तो वो कैसे वो समझ पाएंगे कि वो जो चीज ले रहे हैं वो हम लोगों का ब्रांड जो है उसमें कॉपीराइट है उसमें कॉपीराइट नंबर दिया हुआ है हम लोगों का ब्रांड ट्रेडमार्क है ट्रेडमार्क नंबर दिया हुआ है और हम लोग टाइम टू टाइम इसमें जो पाउच के इसके जो प्रिंटिंग होते हैं उसमें हम लोग भी चेंजेस करते हैं जी। उसके बावजूद भी लोग दो नंबर माल मार्केट में आता है तो समझना तो बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है जी। इसके लिए दो नंबर माल इजीली परचेज कर पाते हैं। ओके तो नुकसान क्या है नकली उत्पाद खरीद रहे हैं वो भी अगर बत्ती ही है। जो जिन लोगों के लिए जो लोग माल जो यूज करते हैं जो कंज्यूमर हैं उनको लॉस होता है कि जिस पर्पस के लिए वो लेते हैं उनका पर्पस नहीं हो पाता है पूरा उनका तो पैसा वेस्टेज ही जाता है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है तो कई लोग जो होते हैं वो महंगी जो लिक्विड मशीनें हैं वो नहीं ले पाते हैं और ये एक आम आदमी की पहुंच के अंदर है वो बजट में आता है लेकिन तो उन लोगों को यह है कि दोनों माल मिल जाने से भी उन लोगों को पैसा का सिर्फ नुकसान होता है जी पैसा का नुकसान होता है और ये सिर्फ धुआं छोड़ने का काम करता है तो कोई यूज जिस पर्पस के लिए लेते उनका काम नहीं होता इससे प्रोडक्ट का नाम खराब हो रहा इसमें हम लोगों का जो ब्रांड नेम भी खराब हो रहा प्रोडक्ट का बदनामी भी होता है हम लोगों को लगातार कंप्लेन भी आता है कि हाँ इससे मार्केट में दो नंबर माल अवेलेबल है तो रेवेन्यू में इसमें कुछ नुकसान रेवेन्यू में भी लॉस होता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम मोहम्मद नसीम मोहम्मद समीम अख्तर मोहम्मद गुलाम बताया जा रहा है एवं वहीं 2 सेल्समैन से भी पूछताछ की जा रही है। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन जांचे परखे प्रमाणित हीरे 100% खरीद वापसी जल्स ज्वेलरी आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार आसनसोल जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक डॉक्टर रॉयस फार्मेसी यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी GT रोड आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए सुंदर टिकाऊ भी आए काम में है दम दाम भी है कम वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर मॉडर्न फर्नीचर मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद मॉडर्न फर्नीचर सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स
सनरेली रोड अपकर गार्डन आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहनदा फैमिली स्टोर। हमारे दो मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, सिटी रोड आसनसोल। आसनसोल उत्सव मेला का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। यह मेला सनरेले रोड स्थित अड्डा मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस मेले के कार्यक्रमों की तैयारी का अंतिम स्वरूप देने को लेकर सोमवार को एक मीटिंग की गई, जिसमें राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक, पार्षद अनिमेश दास एवं आयोजक कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए अनिमेश दास ने कहा कि आसनसोल उत्सव 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होगा। इसमें गुजरात, बिहार एवं अन्य राज्यों के साथ बांग्लादेश के कुल 115 स्टॉल लगेंगे। मीटिंग आलोचना लास्ट कमिटी मीटिंग हलो, जेखाने आमरा सिद्धांत निलाम जे जोजोर जो आसार ব্যাপারটা ছিল ওটা একটু কনফিউশন আছে, উনি সময়টা একটু দেরি করে দিচ্ছেন, যার জন্য আমরা ওনাকে পরের বারে আনবো এবং ওনার জায়গায় আমরা ইমন এবং আরেকটা লগ্নজিতা এই আমরা এই ডিসিশন নিয়েছি। এছাড়া আমাদের স্টলগুলো কোথায় কীরকম হবে সেগুলো আমরা আজকে ফাইনাল করলাম এবং আমাদের এখানে ভলেন্টিয়ার্স কীভাবে কাজ করবে সেটাও আজকে মিটিংয়ে আলোচনা হলো। এই পুরো ব্যাপারটা আজকে রিভিউ করে আমরা ফাইনাল ডিসিশনগুলো আমরা করে দিলাম, এরপর আমাদের অ্যাকশন হবে এবং আগামী দিনে 4টে থেকে ওপেনিং হবে। মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক ওপেনিং করবেন, সবাই আসার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के इस्माइल के 60 फीट क्षेत्र में सोमवार को घर के अंदर से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हीरापुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अवसाद के कारण आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में 83 नंबर वार्ड के स्थानीय पार्षद मोहम्मद हसीतुल्ला उर्फ बापी ने बताया कि मैं द्वारे सरकार शिविर में बैठा था तो इस मोहल्ले के कुछ लोगों ने फोन कर जानकारी दी कि एक घर में एक बूढ़ा अकेली रहती है, उसके घर से काफी दुर्गंध आ रहा है, वृद्ध भी 3 दिनों से दिखाई नहीं दी है। उसके बाद यह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी हीरापुर थाना पुलिस को दी। महिला आसछिल और साधारण लोग प्रथमे ভেবেছিল হয়তো কিছু মারা গেছে, মহিলাটা একাই থাকতো এবং সে পাবলিক দেখছে এইদিকে তার কাপড়গুলো মেলা আছে কিন্তু তারপর লোকটাকে পাচ্ছে না। এবার হঠাৎ এই 2-3 দিন থেকে গন্ধ হচ্ছে, ওরা ভাবছিল অন্য কিছু, হয়তো কিছু মারা গেছে, জেনারেলি যেটা হয় ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না। তারপর আজকে স্মেলটা একটু বেশি হয়, মানুষ তো কোনোটা ডাউট করতে থাকে, খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, দেখছে ঘর থেকে আসছে। रानीगंज के सियारसोल गर्ल्स स्कूल के सामने के रास्ते पर दो ट्रैक्टरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोप है कि इन ट्रैक्टरों पर अवैध तरीके से बालू लाद कर ले जाया जा रहा था। जब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस और BLRO के अधिकारी वहां पहुंचे और तफ्तीश के लिए दोनों ट्रैक्टरों को कब्जे में ले लिया। पुलिस अब इस बात की जाँच में जुट गई है कि ट्रैक्टरों में जो बालू लगा हुआ था उसका चालान है या नहीं, और अगर है तो वह वैध है या नहीं। इसके साथ ही उस ट्रैक्टर के असली मालिक कौन है और यह बालू कहां से लाया जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था। हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग कुछ नहीं बोले, मालिक से बात की है सर। हम लोग एक आम आदमी है, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं। तू ये बोल रहा है? हाँ, तो हम लोग बोले गाड़ी मालिक का नाम बोल ले जो चलवा उसको बोले, हम लोग तो हाजिरी कर हाला बंगला जा रानीगंज जा। अरे तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चल रहे। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहां आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। बीते 2 नवंबर को आसनसोल बनपुर रोड पर चित्रा मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए AMIM के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज के साथ नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC ट्रैफिक से मुलाकात किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने DC ट्रैफिक आनंद राय से मिलकर यातायात व्यवस्था में सुधार करने का अनुरोध किया। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल में एजाज अहमद, आतिफ मल्लिक, नरेश शर्मा आदि शामिल थे। मुलाकात करने के बाद नीम के जिला अध्यक्ष दानिश जीज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज के এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট কেন ঘটবে যদি ট্রাফিক নিয়মটা ভালো থাকবে, যদি আমাদের রাস্তার মানে অবস্থাটা ভালো থাকবে, ট্রাফিক ব্যবস্থাটা ভালো থাকবে, তাহলে এই কারণগুলো তো হওয়াই উচিত নয়। এই কারণগুলো হওয়াই উচিত নয়। আমি ওটাই DC সাহেবকে বললাম যে আপনি DC ট্রাফিক আছেন, আপনি আপনার মাধ্যমে আমি আপনার ADPC কে বলতে চাই যে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এইগুলো যে ডিসিমিলারিটিস ইকুইলিটিস আছে আগামী দিনে আরও না হোক, এটা আশা করছি। তো উনিও আশ্বাসন দিয়েছেন যে হ্যাঁ, আমাদের মানে ADPC থেকে যত পারবো আমরা ওনাদের ফ্যামিলির সাথে আছি। তার সাথে সাথে আর একটা কথা বলতে চাই আপনাদের মিডিয়া কর্মীর মাধ্যমে, এই যে অগ্নিমিত্রা পাল বা অশোক রুদ্র হয়তো একটা কাউন্সিলর আছেন, উনি একটা কথা বলেছিলেন যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল যে এই প্রত্যেকটা ডাম্পারওয়ালা 300 টাকা করে দেয়। এই 300 টাকা কাকে দেয়? আমি অশোক আপনাদের মিডিয়ার কর্মীর মাধ্যমে
অশোক রুদ্রকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এই 300 টাকা কাকে দেওয়া হয়? আপনার দিদি নয়? হ্যাঁ, आसनसोल शहर को सजाने के लिए आसनसोल नगर निगम ने कमर कस लिया है। कहीं आई लव आसनसोल गेट बनाया जा रहा है तो कहीं आसनसोल के प्रवेश द्वार पर विश्व बंगला गेट के तर्ज पर प्रवेश द्वार तैयार किया जा रहा है। इसी के तहत आसनसोल नगर निगम में आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन को भी सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सोमवार को कोलकाता से आए चित्रकारों की टीम ने रविंद्र भवन का परिदर्शन किया। इन लोगों के द्वारा रविंद्र भवन के दीवारों पर चित्रकारी की गई, इसलिए चित्रकारों की टीम ने रविंद्र भवन के बाहर भीतर सभी हिस्सों का अवलोकन किया। इसके साथ मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी भी उपस्थित थे। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने बताया कि मेयर के निर्देशानुसार रविंद्र भवन को भी सजाया जाएगा। हमरा आज के रविंद्र भवन मेयर साहब जे निर्देश, से निर्देश अनुसार रविंद्र भवन बांगला बोई सामने कॉफी हाउस आछे जेमन नंदने आछे सेई स्टाइले हमरा रविंद्र भवन के सजाते चाहिए। তো আজকে কলকাতা থেকে এসেছিলেন, ওনারা মেজারমেন্ট করে নিয়ে গেলেন, কিছুদিনের মধ্যে আমরা এর কাজ সম্পন্ন করব। তাই পুরো মেজারমেন্ট করে ওনারা এর পরবর্তীকালে যে প্রস্তাব দেবে যে এইভাবে করব, সেইভাবে আমরা আজ দেখিয়ে দিলাম যে আমাদের এই জিনিসগুলো চাই, সেগুলো উনিরা এবারে এস্টিমেট করে আমাদেরকে দেবেন, তারপর আমরা বোর্ড মিটিংয়ে পাস করার পর এই কাজটায় হাত দেব। নিউজ প্রহর কে প্রায়োজক হ্যাঁ सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस,